हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो पहाड़ी। इस चैनल में हम कुकिंग, ट्रैवलिंग, लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करेंगे। सो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी हाउ टू मेक कड़ी पकोड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने एक कटोरी के हिसाब से लिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़े से प्याज करेंगे। मैंने प्याज पहले से ही चॉप करके रखे हुए थे। अब हम इसमें थोड़े से प्याज डालेंगे। प्याज के बाद हम इसमें थोड़ा मिर्च डालेंगे। मैंने एक मिर्च काटी थी। अब थोड़ा सा अजवाइन, आधी चम्मच, थोड़ा सा सोडा, और थोड़े से मसाले। इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी और थोड़ी मिर्च। आप इसे स्वाद अनुसार डाल दीजिए। अब ये सब डालने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें और इसको मिक्स करना है। जब तक हम बेसन मिक्स कर रहे हैं, साथ साथ कढ़ाई में तेल को धीमी आंच में रख दीजिए। जो हमने बेसन का मिक्सचर रेडी रखा था, अब हम उसके पकोड़े फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय ये ध्यान रखिए कि तेल गर्म होना चाहिए। फ्राई करते समय ध्यान दीजिए, पकोड़े दोनों तरफ से फ्राई होने चाहिए। ये देखिए, हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। इनका कलर और बहुत अच्छे से आया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है, जो आपके कढ़ी के लिए बहुत परफेक्ट है। ये पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। अब ये मैंने थोड़े से पकोड़े निकाल दिए हैं, क्योंकि हमारे गढ़वाल में ये होता है, कुछ भी बनने से पहले हम ईष्ट देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। अब हम कढ़ी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दही लिया है, इसमें थोड़ा हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और मिर्च। ये मिर्च हमने घर की है और इसको मिक्स कर देंगे। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। अब मैंने मैदा लिया था, उसमें मैंने ये दही मिक्स कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करें। ध्यान रखिए इसमें लम्स ना बने, तो आप इसे अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ पर हमने अपने पकौड़े तैयार कर चुके हैं। ये मैंने कढ़ाई पे तेल रख दिया है और गैस ऑन कर चुका है। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, कड़ी पत्ता। अब इसमें मैंने एक हरी मिर्च काट के डाली है। अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे और इसे भूनने के लिए रख देंगे। इसे प्याज को अच्छे से पकाना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे अच्छे से पकाना है।
ये देखिए मेरे प्याज थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमने दही का बनाया था वो डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा देर पकाने के बाद इसमें पानी डालना है, तब तक पहले इसे अच्छे से पकने दीजिए। आप देख सकते हैं ये पक चुका है, इसका कलर भी अच्छे से उभर के आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हल्का हल्का करके और इसे साथ साथ मिक्स करते रहेंगे, जिससे इसमें लम्स ना बने। ये हम मिक्स करते रहेंगे, इसे थोड़ा देर पकने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रखिए नमक हमने पहले भी डाला था उसी के हिसाब से नमक डालना है। और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी, इससे स्वाद अच्छा होता है। अब इसे थोड़ा देर पकने दीजिए। ये देखिए कढ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने पकोड़े बनाए थे वो इसमें डालेंगे। इसे पकोड़े भी इसमें मिक्स हो जाए। और इसे अच्छे से घुमाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, इससे स्वाद और अच्छा हो, दिखने में अच्छा लगे। तो मैंने इसमें धनिया डाला है। आप देख सकते हैं कढ़ी रेडी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।